भाई, ये तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। अरे निक, तो भाई साहब वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर यार हम लोग अभी तक बहुत सारे मैचेस जीत चुके हैं। हम लोग क्वालिफाई होना है टॉप 128 में। आप लोगों को तो पता है इतनी सारी टीम है, 4000 से भी ज्यादा टीम है, उसमें से 128 में आने के लिए हम लोगों को बहुत सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब तक हम लोग काफी जीत चुके हैं, अभी भी कुछ मैचेस हमारे बचे हुए हैं। और अभी यार हमको हराने के लिए आ गई है एक बहुत ही खतरनाक जापान की टीम। काफी तगड़ी टीम है, इनके डिफेंसेस और अटैक्स तो भाई नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो आज हम लोग भाई साहब वापस पहले अटैक के लिए चलेंगे। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियनशिप की वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलते भाई फिलहाल इस मैच के अंदर। तो भाई एलेक्सीड करके टीम है, ठीक है। फिलहाल मैं अटैक करने वाला हूँ इस नंबर 5 के बेस के ऊपर। बेस लेआउट भाई साहब का तो काफी अच्छा है, लेकिन हमारी आर्मी गाइज उससे भी अच्छी है। होपफुली यार ओपनिंग में दे सको, क्योंकि यार हमारे वैसे भी टाइम फेल 99, 96, 98, 97 तो भाई ये बहुत सारे हुए अभी तक हमारे। होपफुली ये सारी चीजें यार हमारे यहाँ पे ना हो। चल भाई ब्लिम पहुंच जा अपनी जगह पे। नाइस, ठीक है। होपफुली गाइस अभी हम लोगों को यहाँ से वैल्यू मिले तगड़ी वाली। टाउन हॉल चाहिए, मोनो चाहिए, स्कैटर भी चाहिए। मिलेगा क्या? अरे टाउन हॉल को मारो यार, ऐसे मत करो भाई, सुनो। मार दिया, ओके, मिल गया मोनलिथ। चलो गाइज अच्छी बात है। ओके सीसी भी लूर हो चुकी है गाइज। चलो भाई हम लोग गाइज दो बड़े कंपार्टमेंट मिल गए, टाउन हॉल वाला और ये स्कैटर वाला। चलो 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 लाओ, दिक्कत ना दे, थोड़ा लेट आ गया हमारे हीरोस के ऊपर। चलो भाई आरबी रिंग्स के साथ यहाँ पे फनल बनाएंगे। ओके चलो 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 सही जा रहा है अभी तक तो। मैं एक नॉर्मल वॉल ब्रेकर क्यों यूज कर रहा हूँ पता है, छोटा वाला, टेस्टिंग के लिए, देखने के लिए कि जाता कहाँ पे है वॉल ब्रेकर। चलो भाई सही टाइम पे दे दी बुड्ढे की एबिलिटी। ओके चलो चलो काफी सही जा रहा है अभी तक तो। नाइस गोइंग। अरे यार क्या ये हो पाएगा ट्रिपल? एनिमी रॉयल चैंपियन बच चुकी है गाइस, दिक्कत ना दे रहे भाई बस ये। गॉड हमारी आरसी को बचा लिया हमने। चलो सही है, डिग भी जिंदा है हमारा। ओके ये टाइम बहुत कम है, खत्म लग रहा है मेरे को, खत्म है खत्म है खत्म है दोस्तों। अच्छा जी टोर्नेडो यहाँ पे था, हो गया भाई, दिस इज अ खत्म बेस। ओपनिंग तो गाइस हम लोगों ने हमारी टीम को दे दी, अभी देखते हैं गाइस टीम वाले क्या कर सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है, महीने का खर्चा ज्यादा पर अकाउंट में बैलेंस कम? शॉपिंग की लिस्ट भी आप लोगों की तैयार है फिर भी अकाउंट में बैलेंस कम, मगर ऐसा क्यों? जब यार आपके पास स्किल्स हो सही तो अनलिमिटेड अर्निंग जीतने का मौका क्यों नहीं? देखो भाई ये पोकर का जमाना है, दिमाग से खेलो और खूब जीतो। आज ही अड्डा 52 पे आओ और खेल जाओ। अड्डा 52 पे अभी साइन अप करो, क्यों? क्योंकि भाई अभी अगर आप लोग साइन अप करोगे तो आपको मिलेगा 50 रुपीज का इंस्टेंट बोनस, ताकि आप लोग तुरंत खेलना चालू कर सको और बड़ा जीतने का मौका आप लोगों को मिल सके। ये तो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, और जो भी आप लोग जीतोगे तुरंत उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर पाओगे। और तो और आपकी अर्निंग बिल्कुल सेफ है 100%, तो देर किस बात की है। और फिर भी कभी कभी अकाउंट में पैसा खत्म हो जाता है लेकिन खेलने का मन खत्म नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा स्पिन द व्हील, तो आप लोग यहाँ पे 7 दिन रोज स्पिन कर सकते हो और हर दिन आप लोगों को 50 रुपीज का बोनस मिलेगा। खेलने के लिए बैलेंस फिर से खत्म, कोई बात नहीं,
फ्री रोल टूर्नामेंट्स है ना, यहाँ पे एंट्री तो टोटली फ्री होती है और चिप्स आप लोगों को अनलिमिटेड मिलेंगे। और तो और यहाँ पे आप लोगों को हर दिन 1,00,000 रुपए जीतने तक का मौका मिलता है। देखो अगर पोकर खेलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अड्डा 52 है ना, यहाँ पे आप लोगों को हाउ टू प्ले के वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग इजिली बेसिक सीख सकते हो। तो चलो सीखो और बड़ा जीतो। तो अभी डाउनलोड किया कि नहीं, एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को अड्डा 52 मिल जाएगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरा ये वाला कोड यूज करोगे तो आप लोगों को आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% का कैशबैक मिलेगा। तो डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा कोड अड्डा 1000 यूज करना मत भूलना, जिससे कि आप लोगों को 100% का कैशबैक मिले। भाई साहब कर लो बात, एनिमी टीम भी रुकने का नाम यहां पे नहीं ले रही। स्कोर देख रहे हो गाइस उनका, फिलहाल ड्रैगो आ चुका है अटैक के लिए, क्योंकि यार अभी हम लोगों को सख्त जरूरत है यहां पे 3-स्टार की। भाई ड्रैगो का अटैक देखते हैं। तो ड्रैगो यहां पे फ्रीज करके ब्लिंप डाल दिया। ओके ओके, ड्रैगो को यहां से वैल्यू मिलेगी क्या भाई? क्या मिलेगा ड्रैगो को इधर से? एक मल्टी और ये मिल जाएगा क्या? मल्टी मिलना चाहिए भाई, मिल गया मल्टी। तो दूसरा मल्टी मिलेगा क्या? अबे यार ड्रैगो को एक अर्थक्वेक लेना था भाई, यहाँ पे दूसरा मल्टी भी मिल जाता ड्रैगो को, लिटरली अर्थक्वेक अगर होता तो। पर सही है, काफी तगड़ी वैल्यू मिली, एक मल्टी मिल गया और ईगल मिल गया और एनिमी की क्वीन मिल गई और भी ठीक ठाक मिल गया है ड्रैगो को वैल्यू। ओके बार्बेरियन किंग को अंदर लेके जाना चाह रहा है, कैटर कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा ना? चला जा, नहीं जाएगा शायद, क्वीन को जाना पड़ेगा या अभी जाएगा किंग। अबे यार बार्बेरियन किंग कोई ना, चलो टोर्नेडो। ओ टोर्नेडो देख रहे हो गाइस, स्पैम आर्मी के लिए रोक के रखा है, उनको लगा होगा एजाज या गोइल करेंगे उधर से स्पैम ब्लिंप डालेंगे, है ना? देखो ना वही तो एंगल बन रहा है। चलो अच्छी बात ये है कि यार ट्रिपल आइस रखा है सीसी के अंदर, जो कि इजिली क्वीन मार देगी उनको। टाउन हॉल से लालो कर रहा है ड्रैगो, नाइस नाइस गोइंग। ओके फ्रीज कर दिया भाई, वेरी नाइस। ये टाउन हॉल, ओ भाई बुड्ढे की एबिलिटी दे दी सही टाइम पे। अबे तीनों हेड हंटर उड़ गए, हद हो गई यार, तीनों के तीनों हेड हंटर उड़ गए भाई। ओ भाई साहब ये क्या ट्रैपिंग थी, अलग ही लेवल की ट्रैपिंग थी यार। तीन हेड हंटर दिए थे ड्रैगो ने, तीनों हेड हंटर हेस्ट स्पेल के अंदर थे तब भी उड़ गए स्प्रिंग ट्रैप से, अलग ही लेवल की ट्रैपिंग। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से खत्म है गाइज ये बेस, ज्यादा कुछ बचा है नहीं गाइज बेस के अंदर, है ना? दिस इज अ खत्म 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 बेस। चलो भाई ठीक है, हमारा स्कोर भी आ चुका है यार सही लेवल पे। अभी तो यार स्टिल 3 अटैक्स बच चुके हैं हमारी टीम के, देखते हैं गाइस क्या होता है 3 अटैक्स के अंदर, होपफुली हम लोग ये वाली मैच जीत जाए। तो भाई साहब तैयब भाई आ चुके हैं हमारी साइड से अटैक करने के लिए, और तैयब भाई देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वीन चार्ज सुपर हॉग राइडर वाली आर्मी के साथ अटैक। ओके सबसे पहले तो सुपर वॉल ब्रेकर के साथ वॉल ब्रेक करिए इनने, भाई इनका प्लान क्या है यहाँ पे? विंचा अच्छा क्लिंगर के साथ अटैक कर रहे हैं। ओके इनकी क्वीन शायद स्कैटर में लेके जाना चाहते हैं, देखते हैं। क्लिंगर के साथ टाउन हॉल तो खैर मुश्किल है क्योंकि एक्सबो रखी हुई है वहाँ पे, तो वो एक्सबो मारेगी क्लिंगर को, तो इनका प्लान मेरे को समझ नहीं आया है अभी तक। चलो क्वीन चार्ज तो सही हो रहा है इनका अभी तक, तो क्वीन के ऊपर हिलर्स है, रेज्ड हिलर्स है सारी की सारी। अरे यार आर्चेटावर मार रहा है हिलर्स को, बलून डाल दिए उसके ऊपर, वेरी नाइस। क्वीन टाउन हॉल की साइड पे आ रही है, वाह क्या बात है, स्कैटर मिला नहीं है तो। ओ भाई साहब बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे इनविजिबिलिटी स्पेल को डिप्लॉय कर दिया, ट्रिपल आइस गोलम सीसी के अंदर से बाहर आ चुका है, नाइस 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 नाइस। ये का, अरे यार आइस गोलम रोक के रखेगा अभी। चलो बार्बेरियन किंग को उतार दिया है, अरे वाह फ्लिंगर अपना काफी अच्छा काम कर रहा है यार, क्या बात है भाई। पर टाउन हॉल पे जाएगा कौन, ये असली मसला है, टाउन हॉल पे कौन जाएगा? किंग अंदर मत आइयो भाई, अबे अंदर आ गया यार बार्बेरियन किंग, जब नहीं आना होता। अच्छा 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 अच्छा, क्वीन की ओपनिंग देखो, जहां से क्वीन टाउन हॉल निकालेगी, मजा आ गया भाई। अरे क्वीन क्वीन नहीं की किंग है, अच्छा वो किंग है क्वीन नहीं है, मेरे को लगा ये क्या हो गया भाई। ओ भाई साहब
क्वीन के ऊपर इन्होंने पेटी यूज करा था, ये वाला फिनिक्स जिससे कि जिंदा हो। अबे यार ये तो गलत ही सीन हो गया यार, टाउन हॉल मिला ही नहीं है इनको। भाई टाइम देखो यार तैयब भाई, इसको 2 स्टार निकालो कुछ भी करके। टोर्नेडो टाउन हॉल के फ्रंट साइड पे रखा हुआ था, सारे के सारे हॉक्स चालू कर दिए यार। भाई टाउन हॉल कैसे आएगा भाई, बिल्डर फुल हेल्थ कर देंगे टाउन हॉल की। रॉयल चैंपियन को फाइनली उतारा है टाउन हॉल के लिए, 2 फ्रीज भी है, पहली फ्रीज आ चुकी है, वेरी नाइस। आई थिंक टाउन हॉल तो गाइज यहाँ से निकल जाएगा, क्वीन को निकालना था यार, फिर मामला बैठ गया था यहाँ पे जबरदस्त वाला। क्या बोलते हो गाइज यार, ये वाला अटैक क्वीन अगर निकालती तो होता क्या ट्रिपल? मेरे को डाउट है, पता नहीं क्यों, मतलब डाउट है, मतलब होता भी नहीं होता भी, इस चीज में डाउट है। ये तो भाई कितना लेगा, 69 ये भाई का फेवरेट नंबर तैयब द लेजेंड। 70% हो गया, 70, 71, 72 होएगा क्या, 70 ही होएगा। अरे यार लो परसेंट आ गया दोस्तों, काफी लो परसेंट, 70% हो गया इस बेस के ऊपर। फाइनली गोहिल आ चुका है हमारी साइड से अटैक करने के लिए, और गोहिल ये क्या कर रहा है, सुपर आर्चर ब्लिंप, ओके बलून्स को डिप्लॉय करा है, उसके बाद बैटल ब्लिंप को डिप्लॉय करा है। बैटल अब वैल्यू देखते हैं गाइस कितनी मिलती है गोहिल को, अपने को तो काफी जबरदस्त वैल्यू मिल गई थी वहां से, अब गोहिल की वैल्यू गिनते हैं गाइस कितनी वैल्यू ले सकता है गोहिल इधर से। अबे यार गॉब्लिन को क्लोन कर दिया, बताओ हद हो गया यार भाई, मल्टी मिलना चाहिए, एक मल्टी तो एटलीस्ट मिल जा भाई, भाई मल्टी मिल जा यार, भाई सब निकाल रहे, मल्टी को छोड़ के सब निकाल दिया, हद हो गई, एक मल्टी मिलना तो जरूरी था यार यहाँ पे। सारा कचरा निकाला है आजू बाजू का 25%, अभी लावा हॉन्ड भी आ रहा है, लावा हॉन्ड को मारना पड़ेगा, क्वीन को उतारा है, बुड्ढे को भी उतार दिया, वो उतार देता यार, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रो टाइटन, अच्छा उतारा है, नाइस काफी अच्छी बात है यार। बेस के अंदर सारे ओपन कंपार्टमेंट्स है, एक ही क्लोज कंपार्टमेंट है जो कि है रिचपेल टावर वाला, और 2 एक्सबो वाले क्लोज कंपार्टमेंट, बाकी सारे के सारे तो ओपन ही है कंपार्टमेंट्स, तो गोहिल को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पे। 3 सुपर वॉल ब्रेकर लिए गोहिल ने, ओके जो कि डायरेक्ट आई थिंक इसकी ओपनिंग खोलेंगे एक्सबो, हाँ देखो एक्सबो की ओपनिंग के लिए जा रहा है वॉल ब्रेकर, 2 वॉल ब्रेकर एक साथ डिप्लॉय करे एक के पीछे एक, एबिलिटी भाई दे दिया यार, सही टाइम पे दे दिया भाई, अरे वाह क्या ही मस्त वॉल ब्रेक किया है गोहिल ने यहाँ पे, मजा आ गया। क्वीन अंदर की साइड पे जा चुकी है, मतलब क्या क्वीन को दोनों मल्टी मिलेगा इधर से, डेफिनेटली मिलेगा गाइस, काहे नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे का कचरा साफ कर लिया गोहिल ने, अभी क्वीन को तो निकालना ही पड़ेगा ना मल्टी। रॉयल चैंपियन भी कूद चुकी है पीछे से, हेड हंटर्स डिप्लॉय कर दिए, वेरी नाइस, अभी भी 2 हेड हंटर बचा के रखे जो कि एनिमी बार्बेरियन किंग के लिए है, वेरी नाइस भाई, डाल दे सारे के सारे हेड हंटर, डाल दिया, वेरी 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 नाइस गाइस, दिस इज अ खत्म बेस। अब मेरे को नहीं लगता कि यार एजाज भाई को अटैक करने की जरूरत भी पड़ेगी, उनको सेफ 2 स्टार चाहिए होएगा मैच जीतने के लिए, जीत गए गाइस ये वाली मैच, हम लोग निपट चुकी है गाइस मैच, खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट, सामने वालों ने क्या करा है देखते हैं। तो भाई साहब मैच हो चुकी है खत्म, एनिमी टीम के सिर्फ 11 स्टार हो चुके हैं, और सिर्फ मेरा बेस यार इन्होंने 3 स्टार यहाँ पे उड़ाया है, क्या करा है भाई मेरे बेस पे भाई, सुपर आर्चर नहीं यार, सुपर बार्बेरियन नहीं है ये, कौन सी आर्मी है भाई, ओ क्वीन चार्ज करा इसने मेरे बेस पे, वो भी टाउन हॉल कंपार्टमेंट के अंदर, ओ भाई ये कुछ अलग ही लेवल का अटैक कर दिया यार इस बंदे ने तो, भाई साहब 26 सुपर बार्बेरियन के साथ क्वीन चार्ज करा इसने मेरे बेस पे, कजुमा नाम है इसका, कजुमा कर दिया मेरे बेस का, भाई साहब नेक्स्ट लेवल अटैक कर दिया गाइस कजुमा ने मेरे बेस के ऊपर 3 स्टार। उसके बाद भाई तैयब भाई के बेस के ऊपर 85%, तो भाई तैयब भाई के बेस के ऊपर यहाँ पे बुड्ढे के साथ जैप करके इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश करा गया है, ओके और तैयब भाई का ये क्या ही बेस है यार, क्या ही बेस लगाते हो,
कोई भी उड़ा देगा, इतना इजी बेस है ये तो। देखो 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 देखो, पूरी आर्मी को कोर में लेके गया था भाई जंप स्पेल की मदद से। बार्बेरियन किंग को भाई टाउनल कंपार्टमेंट में लेके जाना चाह रहा था ये बंदा, बट गया नहीं बार्बेरियन किंग, है ना। लेकिन टाउन हॉल तो इसको मिल गया था, रॉयल चैंपियन ऊपर की साइड से डिप्लॉय कर दी थी। लेकिन यार ये बेस ट्रिपल नहीं कर पाया भाई, सुपर मिनियंस यूज कर रहे थे सीसी के अंदर, ये बिल्कुल सही यूज करा था इसने। पर यार पीछे का जो कंपार्टमेंट है वो थोड़ा सा बच गया गाइस, 85% हो गया इस बेस के ऊपर। उसके बाद गाइस गोहिल के बेस के ऊपर करा है 88% अटैक। आओ भाई सुपर ड्रैगन वाली आर्मी के साथ करा है, क्या बात है भाई। ओके हीरोज को देखो एक साइड पे, फ्लिंगर को एक साइड पे, और बीच में से डायरेक्ट सुपर ड्रैगन डाल के एबिलिटी मार के खत्म ही कर दिया भाई इस बेस को तो। हैं टाउन हॉल पे कौन, कोई नहीं गया, ये क्या सीन है। टाउन हॉल पे रॉयल चैंपियन गई है भाई, रॉयल चैंपियन के साथ भाई ने टाउन हॉल निकाला है यहाँ पे। और भाई गोहिल के बेस के ऊपर ये हो गया था यहाँ पे 2 स्टार 84, 86 और 88%, नेक्स्ट लेवल अटैक भाई साहब। उसके बाद ड्रैगो के बेस के ऊपर भी 88, व्हाट इज दिस मैन, अगेन 88। और यहाँ पे करा था भाई सुपर आर्चर ब्लिंप, लावा हॉन्ड को डाल के भाई साहब ने डाली थी ब्लिंप। ओके और ब्लिंप के साथ इनको मिली क्या वैल्यू, एक मल्टी बच गया। उसके बाद भाई बड़ा गोलम भी यूज करा इस बंदे ने तो, क्या बात है। बड़ा गोलम, आइस गोलम, इलेक्ट्रो टाइटन, बहुत सारी चीजें यूज करी है। और इसी के साथ भाई टाउन हॉल तो इसको इधर से मिल गया होएगा, मिला ही गया। अबे नहीं मिला इसको टाउन हॉल, तो टाउन हॉल कैसे निकाला है। ओ भाई ओ सुपर बार्बेरियन के साथ टाउन हॉल निकाला है यार इस बंदे ने। और इस तरीके से भाई इस बंदे ने 88% 2 स्टार करा है ड्रैगो के बेस के ऊपर, डिफेंड कर गया ड्रैगो का बेस। एजाज भाई के बेस के ऊपर भाई यहाँ पे क्या किया था देख लो, क्वीन चार्ज लावा लून भाई साहब ने यहाँ पे फ्लिंगर यूज करा था यार ईगल आर्टलरी के लिए, और क्वीन को किधर, अरे क्वीन की एबिलिटी चली गई इतनी जल्दी, ये क्या बात है भाई। ओ ओ ओ ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्वीन चार्ज तो भाई बंदे ने काफी तगड़ा करा है, लेकिन एबिलिटी चली गई थी ना यार इसकी काफी अर्ली, तो दिक्कत इसको वहां पे हो गई। ओ इसकी क्वीन ही मर गई यार, लालो तो इसने डायरेक्ट टाउन हॉल से कर दिया भाई। ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब ले सकता था ये, पर इसकी क्वीन मर गई। तो भाई साहब इस बेस के ऊपर भी ये बंदा फेल कर गया, लेकिन 92% तक खेच गया था भाई ये बंदा इस बेस के ऊपर। तो भाई 13-11 से ये वाली मैच अभी हम लोग जीत चुके हैं, अभी भी हमारे काफी मैचेस बच चुके हैं, होपफुली हम लोग टॉप 128 में क्वालिफाई हो जाए। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।